आप असेंबलर थे हैं और रहेंगे 40 साल टोयोटा ओंटा सुजुकी ने मलाइया खाई है या मुल्क को कुछ लौटाने का टाइम है तो आपको तकलीफ हो रही है यार आप भी उनकी तरफदारी ले रहे हैं यार कम से कम मेरी जिंदगी में तो मेड इन पाकिस्तान गाड़ी नहीं आई कम से कम मेरी औलाद की जिंदगी में तो ये गाड़ी आ जाए मेरे मुल्क का वेंडर मेरे मुल्क का असेंबलर भेड़िया भेड़िया उसके मुंह खून लग चुका है बड़े बड़े मुल्क हैं उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उस मुल्क एक्सपोर्ट करके अरबों डॉलर लाती है तो हमारा लोकल असेंबलर एक छोटी गाड़ी के ऊपर भी तीन तीन लाख रुपए इवन जो इनकी जीपे है वो चालीस चालीस पचास पचास लाख साठ साठ लाख रुपए ब्लैक में बिकी हैं जो ये बुकिंग का पैसा अपने पास रखकर बैंकों को कर्ज उसके ऊपर देते थे सूद के ऊपर और आवाम को आठ महीने का इंतजार दस महीने का इंतजार ये मुल्क है पाकिस्तान बुकिंग के पेपर भी ब्लैक में बिकते रहे आज जो कुछ भी हो रहा है इनके साथ ये इनका बोया हुआ है जो ये काट रहे हैं जरा अपने गिरबान में भी झांक लेते हैं साल जब आर डी ड्यूटी खत्म हुई थी तो उम्मीद की जा रही थी कि सेकंड हैंड गाड़ियों की कीमतें कम हो कुछ भी आप लोगों ने कम नहीं किया आपका सवाल ठीक है अपनी जगह लेकिन शायद बैकग्राउंड का आपको पता नहीं है आपके शोरूम्स पर अभी सुने ने रेट्स भी किए हैं तो आप लोग अदाई क्या हवाला उमटी के जरिए हैं नहीं ऐसा नहीं है ये एक बड़ी गलत फहमी है जब ये डॉलर बड़ा है तो गाड़ियों की सेल्स जो हैं वो नब्बे फीसद तक कम हो कंपनियों से गाड़ी नहीं खरीद रहे लोग सुने आपकी बड़ी चांदी हुई है आपने बड़ा माल बनाया तो मुल्क के हालात और मामला से आपको अंदाजा नहीं हो रहा की हमारी कितनी सेल बढ़ गई आपकी चिड़िया या आपका जो फरिश्ता है वो आपको गलत रिपोर्टिंग कर रहा है सर आपके लिए बुरी खबर है दो बड़ी कंपनियाँ होंडा और लकी मोटर्स ने जो है वो खुद से गाड़िया इंस्टॉलमेंट पे देने का प्लान किया तो सर ये आपका क्या बनेगा लोग गाड़ी है? बड़े -बड़े मालिक है वहाँ डाउन पेमेंट भी नहीं है जीरो मार्केट पे गाड़ी ले मंथली इंस्टॉलमेंट देते मुझे तो लग रहा है शायद ये दौर भी आने वाला है इनशाला लोकलाइजेशन नहीं कर सकते तो इनको असम्बल करने की मत अगर आप पाबंदियाँ लगाएंगे

क्या वहाँ एक शख्स अपना ये ख्वाब पूरा कर सकता है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में चल क्या रहा है इन सब पर बात करने के लिए हमने स्टूडियो में एच एम शहजाद साहब को दावत दी है जो चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन भी हैं आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं असल एच एम शहजाद साहब कैसे हैं आप खैर से अल्लाह का करम आप बताएं ठीक अलहदुल्ला जी अच्छा सर ये बताएं कि पिछले दो महीने में डॉलर तकरीबन अठारह फीसद गिर चुका है आप लोगों ने गाड़ियाँ कितनी सस्ती की अगर गाड़ियों की प्राइस कमी की बात की जाए तो लोकल असम्बलर्स ने कुछ गाड़ियों के प्राइसेस कम किए हैं कुछ उसको हम इस तरह कह सकते हैं जैसे ऊंट के मुंह में ज़ीरा अठारह परसेंट का मकसद ये होता है कि आप एक गाड़ी की कीमत अगर उसका आ, सीसी सी वाइज तनासब लगाएँ तो छोटी गाड़ी के ऊपर पाँच से छः लाख रुपए कम होने चाहिए क्योंकि पिछले दो साल में जो गाड़ी चौदह लाख की थी उसको आप ले गए अट्ठाईस तीस लाख के ऊपर इसी तरह जो गाड़ी पैंसठ लाख की थी होंडा सिविक उसको आप एक करोड़ तीन लाख पे ले गए जो फॉन्ट फॉर्चूनर एक करोड़ पैंतालीस लाख का था उसको आप सवा दो करोड़ पे ले गए तो अट्ठारह परसेंट ये क्रेडिट गवर्नमेंट को और डायरेक्टली आर्मी चीफ साहब को जाता है कि उनकी दिलचस्पी की वजह से ये डॉलर नीचे आया वरना तो डॉलर तो आपको पता है 240 के करीब 340 के करीब पहुंच चुका था लेकिन इसका पास ऑन पब्लिक की तरफ वो नहीं जा सका अब जाके कुछ कंपनियों ने एक लाख से लेके कर छः लाख रुपए तक कम किए ऐसे दूसरी कंपनी ने भी एक लाख से लेके कर पाँच लाख के अंदर अंदर और कुछ ऐसे असम्बलर्स हैं जिनके पास सिर्फ जीपें हैं तो उन्होंने पाँच पाँच छः छः लाख रुपये कम किए लेकिन अगर अगर, अगर प्राइस अगर देखे जाए तो मैंने जैसे कहा कि जो चौदह लाख की गाड़ी थी वो अट्ठाईस उनतीस लाख पे चली गई जो एक करोड़ पैंतालीस लाख की गाड़ी थी वो सवा दो करोड़ पे चली गई जो सिर्फ पैंसठ लाख की गाड़ी थी वो चली गई एक करोड़ तीन लाख के ऊपर उस तनासब से जो पैसा इनको कम करना चाहिए वो नहीं किया अच्छा ये बताएं कि सर आप भी तो इम्पोर्टेड गाड़ियों का काम करते हैं जी हाँ तो आप लोगों को भी पैसे कम करने चाहिए थे आप लोगों ने बिल्कुल थे? देखें इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर आप फिगर्स अगर सिर्फ आप ले लें आ, दो हज़ार उन्नीस बीस के और अट्ठारह उन्नीस के अस्सी हज़ार गाड़ी आया करती थी अब जब से डॉलर ड्यूटी डाली है गवर्नमेंट ने तो ये गाड़ियाँ कम होकर साल की आठ हज़ार नौ हज़ार गाड़ियाँ आती हैं कहाँ अस्सी हज़ार कहाँ आठ हज़ार नौ हज़ार आपको इसलिए उसका जो Uh, कमी का वॉल्यूम जो है वो आपको नजर नहीं आएगा उसकी वजह ये है कि गाड़ियाँ जो टी आर बैग गिफ्ट के तहत आती थी वो इतनी समेट गई हैं कि ना आने के बराबर हो गई हैं हाँ लेकिन ये सवाल आपका अपनी जगह सही है कि भाई ये गाड़ियाँ क्यों नहीं आ रही तो पिछले दो माह से गाड़ियों की स्पीड ना आने के बराबर है जो टी आर बैग गिफ्ट के तेज जो गाड़ियाँ आ रही है वो ना आने के बराबर है तो क्यों नहीं भेज रहे पाकिस्तान इसकी वजह क्या है क्योंकि वो अगर घूमते हैं गिफ्ट करते हैं अपने रिश्तेदारों को तो उनको तो फायदा होता है ना क्योंकि आप पैसे दे खरीदते हैं जी तो ना भेजने की वजह क्या मैंने अब से सबसे बड़ा सवालिया निशान आपको जवाब ये दिया कि जब से डॉलर डूटी हुई है देखिए एक तो बेचारा गाड़ी खरीदे फिर वो आपको डॉलर ड्यूटी भी बंदोबस्त करके भेजे फिर उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी पिछले आपको पता है कि कुछ एफ ने कार्रवाई की है तो उसकी वजह से भी जो है वो लोग जरा सा आ, जो है वो सहम गए लेकिन मेरा यहाँ उन तमाम समंदर पर पाकिस्तानियों को ये पैगाम है कि टी आर बैगेज गिफ्ट के तहत जो गाड़ी आती है वो गवर्नमेंट ऑफ़ पाकिस्तान की स्कीम है ना कि वो ना मैंने बनाई है ना आपने बनाई है डॉलर ड्यूटी भी जो डाली है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डाली है तो किसी भी तरीके से वो इनिगल नहीं है ये भी सुनने में आ रहा था कि जी शायद पाकिस्तान से पैसा भेजा जा रहा है हुंडी और हवाले के ज़रिए तो भाई इंडिया वाला बंद करना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है और पाकिस्तान के अंदर इतनी फोर्सेस हैं अगर कोई ये काम करता है उससे आप पकड़ लें लेकिन जो टी आर बैग गिफ्ट के तहत गाड़ियाँ आती हैं खासकर जो है वो टी आर और गिफ्ट के तहत वो तो समंदर पार पाकिस्तानी अपने ब्लड रिलेशन के नाम पर भेजता है और पैसे भी उनके अकाउंट में आते हैं अच्छा आपके पास गाड़ी मंगवाने का बस एक यही जरिया होता है आप डायरेक्टली इम्पोर्ट नहीं करते नहीं देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इस पर बंदिश है कि ये जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ ये कमर्शल इम्पोर्ट नहीं होती अच्छा तो आपके पास सिर्फ एक ही जरिया है एक ही जरिया है कि जो समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ी भेजते हैं तो उन्हीं की गाड़ी हम भेजते हैं अच्छा अच्छा ये बताएं कि आपके शोरूम्स पर अभी सुने एफ आई ए ने रेट्स भी किए हैं तो आप लोग अदाई हैं क्या हवाला के जरिए करते हैं नहीं ऐसा नहीं है जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि देखें ये एक बड़ी गलत फहमी है और इसको इतना उजागर किया गया है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर जो है हमसे सवाल करना पड़ गया कि जी आप पिछले दो साल का एक तो रिकॉर्ड दें और ये बताइए कि ये पैसे आप ओंडी हवाले से कैसे भेजते हैं तो कोई भी जो गाड़ियों का कारोबार करता है वो होंडी हवाले से पैसे भेजता ही नहीं ये गाड़ियाँ प्योरली समंदर पार पाकिस्तानी भेजता है अपने सोर्सेज से भेजता है डॉलर ड्यूटी भी उसके अपने ब्लड रिलेशन के अकाउंट में आती है उसके बाद वो वैशपिन सर्टिफिकेट क्लिनिक एजेंट को देता है जो गाड़ी क्लियर कराता है तो यहाँ कहीं पर भी आपको होंडी हवाला नज़र नहीं आएगा डॉलर कम हुआ है कंपनियों ने चले मान लेते हैं कि उतनी क्या कमी नहीं की जितनी करनी चाहिए थी मगर कमी हुई तो है मगर सेकंड हैंड गाड़ियों की कीमतों में आपने कितनी कमी की देखिए जो पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ चल रही हैं ना वो ऑटोमेटिकली उस पर पैसे नीचे आना शुरू हो गए मैं आपको मिसाल ऐसे दे सकता हूँ कि जो गाड़ी मिसाल के तौर पर सेकेंड हैंड आपसे एक महीने पहले या बीस दिन पहले आप फ़र्ज कर लें कि वो बारह लाख की थी तो आप बिलीव करें तीन चार मॉडल बता देना मैं लागे मैं लागे तो आपको एक छोटी गाड़ी की बात कर रहा हूँ ना उस पर भी कोई डेढ़ डेढ़ दो दो लाख रुपए कम हुए हैं अगर कोई बड़ी गाड़ी भी है तो यूज़ गाड़ियों पे चार चार पाँच पाँच छः छः लाख रुपए कम हुए यूज़ इस्तेमालशुदा इस गाड़ी एक महीने की बात है इस 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 महीने में इस महीने में अच्छा हाँ ये मैं आपको बहुत सुख से कह रहा हूँ और मतलब मैं कोई बात करूँगा वो हवा में नहीं होगी और बायदा ये मेरा मुशाह भी है और मैंने बहुत सारे शोरों वालों से पूछा भी है जो पाकिस्तान की लोकल गाड़ियाँ हैं ना जो नए मॉडल की उसमें भी लोग जो है वो छः छः अठारह लाख रुपए लॉस करके उन्होंने गाड़ियाँ बेची हैं नीचे जब से ये कंपनी के रेट नीचे आए ना तो ऐसे ही पुरानी गाड़ियों पे भी फ़र्क़ पड़ा है पाकिस्तान के हालात के हिसाब से गाड़ियों का कारोबार जो है वो पहले से गया है हाँ जो पचास लाख के अंदर की गाड़ियाँ हैं उनकी ख़रीदो फरोख्त है लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर पे नहीं है मैंने आपको बताया जैसे कि हालात के हिसाब से हमारे मुल्क के अंदर अगर हालात अच्छे होते हैं तो हर चीज़ रनिंग में होती है लेकिन जब से आपको पता है मुल्क के हालात कैसे हैं तो उसमें इतनी बड़ी ज़्यादा खरीदो फरोख गाड़ियों की नहीं है मॉडल्स ले लें जो मैं तो कह रहा हूँ ना जो लोकल गाड़ियाँ हैं जो नए मॉडल की गाड़ियाँ 2021 -20 बीस इक्कीस मॉडल की गाड़ियाँ कोई भी गाड़ी ले लें ले आप चाहे वो आप फॉर्चूनर ले लें वो भी लोग जो है वो इस्तेमाल इस शुदा गाड़ियाँ नुकसान में बेच रहे हैं एम ले लें ले, वो भी नुकसान में बेच रहे हैं लखी वालों की गाड़ियां भी नुकसान में बेच रहे हैं मतलब सब पे ही समझ लें फर्क है लेके छः सात लाख रुपये बिल्कुल फर्क है हंड्रेड परसेंट फर्क है अच्छा तो जिसको गाड़ी खरीदनी है या वो खरीदने का इरादा कर रहा है तो ये कीमतें और ज्यादा नीचे आएंगी या वो अभी खरीद ले देखे अगर डॉलर नीचे आया क्योंकि आज तो डॉलर मैंने देखा है दो दिन में कुछ बड़ा है एक के अंदर गया था फिर आज दो के अंदर गया था आज फिर दो सौ तिरासी खड़ा है अभी अभी अगर करंट देखें दो तो अगर तो डॉलर नीचे आएगा और अगर फ़र्ज कर लें कि डॉलर दो पे आ जाता है तो मैं समझता हूँ कि अच्छा खासा इन लोकल असम्बलों को गाड़ियों की कीमतों में कमी करनी, करनी पड़ेगी अच्छा कि पिछले दो साल में बेताशा गाड़ियों की कीमतों में इजाफा किया इतना इजाफा किया है कि आप तसुर नहीं कर सकते इजाफे के साथ साथ दो तीन काम इन्होंने और भी किए हैं कि वक्त पे लोगों को डिलीवरीज नहीं दी लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग में गाड़ियाँ खरीदी तो ब्लैक का कारोबार भी बहुत पे गया लास्ट टाइम जब आपके साथ पॉडकास्ट हो रही थी तो आपने कहा था कि लोकल जो बेतहाशा नाजायज मुनाफा कमा ठीक हाँ। है हाँ। तो मगर सर वो लोग तो पिछले साल उससे पिछले साल लॉस में हैं उनके नंबर देखें उनके सेल्स देखें नब्बे फीसद तक गिर चुकी हैं वो अपने प्लांट बंद कर रहे हैं तो अगर वो फायदे में हैं तो अपने प्लांट क्यों बंद कर रहे हैं देखें कोविड आया वो एक अल्लाह ताला की तरफ़ से हम कह सकते हैं वो पूरी दुनिया के लिए था ठीक है फिर उसके बाद मुसलसल कुछ पाकिस्तान के हालात ऐसे रहे फिर आपको पता है फ्लड आया उसमें भी लोगों की बाइंग नहीं थी फिर पिछले दिनों गवर्नमेंट ने इन पर डंडा उठाया कि कुछ देखिए मैं आपको बताऊँ ये टोयटा होंडा सुजुकी इस इनको मुल्क में आए हुए चालीस साल का अरसा हो रहा है ख़ास सुजुकी को चालीस साल और टोयटा और होंडा को पैंतीस पैंतीस छत्तीस छत्तीस साल आज तक हम असम्बलर से मैन्युफैक्चरर नहीं हैं आज पाकिस्तान में जो भी गाड़ी असम्बल्ड हो रही है हम मैन्युफैक्चरर नहीं है हमारे मुल्क में लोकलाइजेशन नहीं है हमारे मुल्क में पार्ट्स नहीं बनते हैं हमारा वेंडर जो है उसके पास ये सलाहियत नहीं है कि वो कम्पलीट गाड़ी के पार्ट्स पाकिस्तान में बनाए तो हम सी के डी एस के डी असम्बली इम्पोर्ट करने के लिए मोहताज हैं पिछले दिनों हमें हमारे मुल्क को चलाने के लिए डॉलर की ज़रूरत थी गवर्नमेंट ने इनके ऊपर ही नहीं बेताशा इंपोर्टेड चीज़ों के ऊपर जो है वो ब्रेक लगा दिया कि भाई हमारे पास डॉलर नहीं हम नहीं दे सकते ये भी बड़ी वजूहत थी फिर सबसे बड़ी वजूहत जो ये थी कि उन दिनों जब ये पुरानी हुकूमत थी तो जिस टाइम पे डॉलर दो रुपये बढ़ता था कीमत बढ़ जाती थी डॉलर चार रुपये बढ़ता था कीमत बढ़ जाती थी मैंने आपसे कहा ना कि जैसे मिसाल के तौर पर जो सूजू की चौदह लाख की थी उसको आप अट्ठाईस उनतीस लाख रुपये पर ले गए आज अगर उसको रजिस्टर्ड करा के बाहर लाएँ बत्तीस लाख रुपये की उस सुजूक की ऑल्टो जी आप सोचें ज़रा क्या उस गाड़ी की बर्थ है क्या उसका रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड यह है क्या उसका पेट्रोल एवरेज यह है क्या वो इंटरनेशनल दूसरी गाड़ियों को मीट करेगा कभी भी नहीं पॉसिबल नहीं है और वो भी हम इंपोर्ट करके सी के डी एस के डी असेंबली इम्पोर्ट करके हम जोड़ते हैं और वो जोड़ने के बाद दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी हम अपनी आवाम को दे रहे हैं तो इसकी वजह क्या है ये लोग मैनुफेक्चर क्यों नहीं करते देखें पिछले चालीस साल में जितनी भी हुकूमतें आई मैं उन्नीस सौ इक्यासी से लेके आज की हुकूमत को तो नहीं कहूँगा आज की हुकूमत को तो क्रेडिट दूंगा मैं कि उन्होंने ज़िंदगी में पहली मरतबा इनके खिलाफ एक्शन लिया है वो तमाम हुकूमतें जो उन्नीस सौ अस्सी से लेके इस हुकूमत से पहले आई हैं ये सब कसुरवार हैं और सबसे बड़े कसुरार ये ख़ुद हैं टोयोटा होंडा सुजुक वाले जब डिलीशन प्रोग्राम उन्नीस सौ इक्यासी बयासी में सुजुकी ने साइन किया था तो उसकी स्पीड ये थी वही एम यू पे साइन ये था कि पाँच साल बाद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में होगी और हम गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे अपने मुल्क की ज़रूरत को पूरा करेंगे और हम एक्सपोर्ट करेंगे अल्लाह करे अगर ये हो चुका होता तो ये जो पिछले दिनों हमारा मुल्क क्राइसिस से गया है ना और हम डॉलर डॉलर देखने के लिए मोहताज हो गए थे आज देखें दुनिया के अंदर बड़े बड़े मुल्क हैं उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उस मुल्क को सपोर्ट करती हैं एक्सपोर्ट करके अरबों डॉलर लाती हैं तो हमारा जो ये लोकल असम्बलर उसने तो सिर्फ लूट मार की उनके मुंह तो खून लग चुका था वो एक काटल बन चुका था जो टोयोटा बनाता था वो होंडा नहीं बनाता था जो होंडा बनाता था वो सुजुकी नहीं बनाता था तो बड़े अरसे बाद जो है हमने देखा कि कुछ पाँच सात दस नई कंपनियाँ आई हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया लेकिन उसका भी नतीजा क्या निकला कि वो भी टोयोटा होंडा सुजुकी के रंग में रंग गए उन्होंने भी लूट मार शुरू कर दी उनको ये लगा कि सारा दरिया का पानी ये पी जाएंगे हम भी अपने हिस्से का पानी निकाल लें आज जो कुछ भी हो रहा है इनके साथ ये इनका बोया हुआ है जो ये काट रहे हैं ये होना था क्योंकि मैं तो पिछले कई सालों से बीस पच्चीस तीस सालों से ये बात करते हुए आ रहा हूँ कि हमारे मुल्क में जब तक लोकलाइजेशन नहीं होगी हमारे मुल्क में मेड इन पाकिस्तान गाड़ी नहीं होगी ना हमारे मुल्क की ज़रूरत पूरी होगी ना हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे आज हुकूमत ने जो फैसला किया है मौजूदा हुकूमत ने जो फैसला किया है जो वो वज़ी अजम साहब की एक बिज़नेस काउंसल है जिसमें खुद आर्मी चीफ बैठते हैं उसमें बड़े बड़े फ़ैसले हो रहे हैं उसमें ये फैसला हो के इनके साथ ये रोका गया है ताकि इनको पता चले कि आवाम को किस कदर इन्होंने लूटा है आवाम को इन्होंने तीन तरीके से लूटा है प्राइस बढ़ा बढ़ा कर आज गाड़ी जिसने बुक कराई और छः महीने के बाद वो गाड़ी दे रहे उस वक्त जो प्राइस होगा तो वो ही आपको प्राइस देना पड़ेगा जो कीमत बढ़ी हुई है जो इतना अरसा पैसा अपने पास रख के ही एन्जॉय करते रहे उसका आम खरीदार को कोई फ़ायदा नहीं फिर इसके बाद मुझे गाड़ी की आज ज़रूरत है आप कह रहे जी आठ महीने बाद मिलेगी तो मैं क्या कर रहा हूँ बाजार से ख़रीद रहा हूँ एक छोटी गाड़ी के ऊपर भी तीन तीन लाख रुपए ऑन ऑन तो लफ्ज अच्छा है ब्लैक में गाड़ी उससे ऊपर पाँच पाँच लाख आठ आठ लाख दस दस लाख इवन जो इनकी जीपें हैं वो चालीस चालीस पचास पचास लाख साठ साठ लाख रुपए ब्लैक में बिकी हैं कोई उसका भी तो एहतसाब करे कि ये कितना लूटते रहे कोई इनका ये भी तो एहतसाब करें जो ये बुकिंग का पैसा अपने पास रख कर बैंकों को कर्ज उसके ऊपर देते थे सूद के ऊपर और आवाम को आठ महीने का इंतज़ार दस महीने का इंतज़ार तो ये जो कुछ भी आज काट रहे हैं ये इनका बोया हुआ है ये तो होना था देर आए दुरुस्त आए हम अपने तौर पर जितनी हुकूमतें आई मैं तमाम हकूमत के लेटर्स आपको दे दूंगा हर हुकूमत को मैंने कहा कि जी ये गलत हो रहा है ये गलत हो रहा है हम अपने मुल्क की ज़रूरत को पूरा नहीं कर रहे हम अपने मुल्क में लोकलाइजेशन नहीं कर रहे एक्सपोर्ट तो दूर की बात है इस दफ़ा तो ये जो सस्पेंड हुए इनका इसकी वजूहत ये है कि जनाब एक तो लोकलाइजेशन नहीं की इन्होंने और इन पर एक हल्की सी कंडीशन डाली गई कि भाई इस साल आपने दो परसेंट एक्सपोर्ट करना है भाई आप तो वो बात कर रहे हैं घर में आटा नहीं है माँ को कह रहे हैं पूरियाँ पकाओ आप तो मोहताज हो सी के डी डी असेंबली बाहर से मंगाने के आप एक्सपोर्ट कैसे करेंगे मतलब बाहर से पाँच ला जोड़कर एक्सपोर्ट करेंगे तो आप जो दुनिया में जापान है कोरिया है थाईलैंड है आ, आ, दुनिया की बहुत सारी और ममालिक है इंडिया है आप उससे कैसे कंपेयर करेंगे आपका प्राइस क्या होगा उनका प्राइस क्या होगा क्योंकि वो सारे मैन्युफैक्चरर हैं मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि जो सुजुकी अल्टो हमारे मुल्क में रजिस्टर्ड होने का वो बत्तीस लाख की है वो इंडिया में पौने चार लाख की है अगर रुपए का फर्क निकाल भी ग्यारह लाख बारह लाख बत्तीस लाख और बारह लाख मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैं आप आपके सामने मैं ये कह रहा हूँ कि जी हमारे पड़ोस मुल्क के अंदर गाड़ी नहीं किए मुझे मजबूरी है बताना पड़ रहा है आपके प्रोग्राम के तवस से ये जो कौंसल बनी हुई वजी अजम के अंडर में और आर्मी चीफ साहब उस कौंसल का हिस्सा है भाई सारे सारे बड़े बड़े स्कैंडल भूल जाएंगे अगर इनका ऑडिट करा लिया आपने अभी तो फिलहाल तीन का करा लिया आप टोइा ऑनडा सुजुकी का अगर इनका तीन का ऑडिट हो गया ना तो आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा स्कैंडल कोई नहीं हुआ होगा जिन्होंने जिस अंदर इन्होंने लूटा है प्राइस बड़ा बड़ा के असेंबलर बन के और ब्लैक मार्केटिंग करके साल का अरबों नहीं खरबों रुपया ब्लैक मार्केटिंग में जाता रहा है ब्लैक मार्केटिंग में आप एहतसाब करने के लिए गवर्नमेंट आइए तो बिस्मिल्लाह करके इनका भी कर लें देखें मैं बिजनेसमैन के ख़िलाफ़ नहीं हूँ मैं इनके भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ अगर ये बिजनेस करें ये बिज़नेस मैन नहीं है इनके मुंह खुल लग चुका है बिज़नेस मैन तो अपने मुल्क की सनत को फ़रो देता है फिर वो एक्सपोर्ट की तरफ भी जाता है ये मुल्क है ना मुल्क ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लोकलाइजेशन हो हमारे मुल्क में पाकिस्तानी गाड़ी बन रही हो मेड इन पाकिस्तान ये जन्नत है जन्नत हमारे मुल्क की आज भी अगर हालात अच्छे हो जाए दस लाख गाड़ियों की ज़रूरत है इन बुरे हालात बुरे हालात में भी जबकि ये लोकल असम्बलर शायद लाख सवा लाख गाड़ियाँ असम्बल करते हैं बाकी लोग मजबूर हैं पहले कुछ तीस चालीस हज़ार गाड़ियाँ टी आर बैगी गिफ्ट के तहत आ जाती थी वो भी अपनी आ रही और वो भी पाँच सात आठ हज़ार आ रही लोग मजबूर हैं पाँच साल दस साल पंद्रह साल पुरानी जो रोडों में पूरे पाकिस्तान में गाड़ियाँ चल रही हैं वो खरीदने के लिए मजबूर हैं क्यों कि हमारी गाड़ी जो लोकल असम्बलर है वो भी हमारे कुतें खरीद में नहीं है और जो बाहर से गाड़ी आ रही है वो भी कुतें खरीद में नहीं है जो हम टी आर बैग गिफ्ट के तहत कह रहे हैं सौ परसेंट से लेके सवा चार सौ परसेंट तक उस पर ड्यूटीज हैं और वो भी डॉलर में इनको आपने आ, आ, कहते हैं ना कि इनको हमने एक तरीके से तहफुज दिया इतना तहफुज दे दिया इतने मोटे हो गए कि अपने पंप नहीं खड़े हो सकते चालीस साल किसको कहते हैं भाई पैंतीस छत्तीस साल किसको कहते हैं सर ये तीन कंपनियां हैं होंडा सुजुकी और ट्योटा इनके जो है वो असेंबलिंग लाइसेंस भी हुकूमत ने जो है वो मुतल किए हैं आपको लगता है कि अभी ये लाइन पे आ जाएंगे इससे फर्क ये पड़ेगा कि भाई इस वक्त हमारे पास मुल्क में डॉलर नहीं है इम्पोर्ट करने के लिए हमारे पास डॉलर होगा तो हम इम्पोर्ट कोई चीज़ करेंगे ना इनकी किसी के डी है इसके डी असेंबली देखें दे रहा है दुरुस्त है आज भी गवर्नमेंट ये तय कर ले इन लोकल असम्बलर को भी बिठाए इनके वेंडर्स को भी बिठाए क्या आइंदा कोई भी चीज़ बनेगी पाकिस्तान में बनेगी आपने मेड इन पाकिस्तान गाड़ी बनानी है अगर आप मेड इन पाकिस्तान गाड़ी बनाएंगे नहीं आप लोकलाइजेशन नहीं करेंगे आप पूरी गाड़ी पाकिस्तान में नहीं, नहीं बनाएंगे हम आपको असम्बल भी नहीं करने देंगे कुर्बानी देनी पड़ेगी दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने कुर्बानी दी आज वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और दो चार पाँच दस मॉडल नहीं या दो चार पाँच दस कंपनी नहीं बयालीस बयालीस पैंतालीस पैंतालीस कंपनियाँ उस मुल्क में बैठ के जो है वो उस मुल्क की जरूरत को पूरा कर रही हैं और एक्सपोर्ट कर रही हैं अच्छा सर ये बताएं कि इन कंपनियों ने ऐसा किया क्यों ये मतलब असेंबलरी क्यों रही इन्होंने यहाँ पे मैनुफैक्चरिंग क्यों नहीं की अगर ये लोग ऐसे करते एक्सपोर्ट करते तब भी तो इन्हें फ़ायदा होता ना तो इन्होंने ऐसा क्यों किया देखें उस जमाने में अगर ये मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चले जाते तो आप यकीन करें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना इनके और इनके वेंडर के लिए बहुत आसान था इतना आसान था कि शायद कुछ करोड़ डॉलर में लग जाता आज उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ गई है अच्छा इन्होंने क्या किया इन्होंने अपने प्रॉफिट और मार्जिन कम नहीं किए इन्होंने सारा वजन जो है वो पब्लिक पे डाला जो गाड़ी खरीद रहा है और ना जाने की वजुवात भी क्या आप देखें कभी जिंदगी में इन्होंने सबने मिलकर पांच लाख गाड़ियां नहीं बनाई कभी नहीं बनाई क्यों क्या ये खला रहे तो इनकी गाड़ियां ब्लैक में बिकेंगी ये गाड़ियों का खला रहेगा अगर फुल प्रोडक्शन में आएगा तो जो भी आदमी आएगा पैसे देगा गाड़ी लेके चला जाएगा तो इनके मुंह जो मैं कहता हूँ ना खून लग चुका है वो ब्लैक मार्केटिंग का भी लग चुका था तो हर तरीके से इन्होंने इंजॉय किया है और मैं आपसे यकीन से आप कह रहा हूं मैं आप आप यकीन करें मेरी बात पे पाकिस्तान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो तो ये पाकिस्तान जन्नत है आप यकीन करें आप देखें ना हर फैमिली के अंदर मेरा अभी भी तीन चार बच्चे हैं वो चाहते हैं यार मेड इन पाकिस्तान छोटी गाड़ी हो जो मेरी है खरीद में हो ये पुराने तो पुराने नए भी कोई इस तरह की गाड़ी नहीं लेकर आए कि वो लोग खर, गाड़ी खरीद सकें सर यार है ना कॉस्ट भी तो ज्यादा है कैसे लेके आएंगे भाई कॉस्ट तो आपकी वजह से है ना कि आप लोकलाइजेशन नहीं कर रहे आप सब कुछ बाहर से लेके आ रहे हैं इसलिए कॉस्ट ज़्यादा है तो मैं इसीलिए तो मुँह फाड़ फाड़ के कह रहा हूँ आपसे भी और पिछली हुकूमतों से भी मैंने कहा है कि लोकलाइजेशन करें एक ही हाल है कि मुल्क में जो है वो सारी चीज़ें तैयार हों ये करना पड़ेगा आपको वरना फिर तो मुझे ही कहते हुए जरा भी जो है टाट नहीं है आप असेंबलर थे हैं और रहेंगे ये मैं मौजूदा हुकूमत को क्रेडिट देता हूँ कि मौजूदा हुकूमत चाहे तो ये काम हो सकता है ये मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा सकते हैं इनके फायदे के लिए भी है आर्जी इनको तकलीफ़ होगी लेकिन आप यकीन करें जितना वॉल्यूम बढ़ेगा इनके प्रॉफिट और मार्जिन बढ़ेंगे ना अभी ये सब मिला के दो लाख ढाई लाख तीन लाख गाड़ियाँ बेचते थे आगे दस लाख भेजेंगे सब दस लाख गाड़ियां बनाएंगे और दस लाख बेचेंगे तो प्रॉफिट और मार्जिन बढ़ेंगे या कम होंगे सीधी बातें बढ़ेंगे तो आप कारोबारी बने ना आप बिजनेस बने आप ब्लैक मेलर ना बने हर चीज आपने ब्लैक में बेचनी है ये ना बने आपकी तो बुकिंग है भी पिछले दिनों जो है वो ब्लैक में बुकिंग हो रही थी गाड़ियों की बुकिंग भी जो गाड़ियों की बुकिंग भी जो है ना वो ब्लैक में करते थे अच्छा ये बताएं कि अगर ये अभी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाते हैं ये आसान काम नहीं है से उस तरफ जी जी तो उनको कितना टाइम चाहिए मेरा ख्याल पाँच दस पाँच साल कम अज़ कम पाँच साल चाहिए लेकिन उस दौरान गवर्नमेंट भी अपना जो है वो थोड़ा सा अपना किरदार जो है वो नरम करेगी इनको जीने के लिए थोड़ा बहुत तो थो सपोर्ट करेगी यार सारी जिंदगी मलाइया खाई है चालीस साल टोटा सुनाइया है खाई हैं अब दूध पीने का टाइम आया टाइम आया तो आपको यही तो कह रहा हूं अब मुल्क को देने के लिए आप करें ना अब आपका टाइम है मुल्क को दो कुछ दो ना भाई कुछ ना करो अगर सीके डी एसके डीबली इंपोर्ट ही करनी है अपने डॉलर का खुद ही इंतजाम करो जिस तरह टी आर बैग गिफ्ट कहते हैं समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ी भी भेजता भी भी है और आपको डॉलर ड्यूटी भी दे रहा है अगर चले माना कि ये लोग जो है असम्बलर से मैनुफैक्चर बन भी गए तो आपको इससे क्या फ़ायदा होगा आपका तो काम अलग है मेरा काम तो यूज़ गाड़ियों का है ना मैं पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ चल रही हैं उसकी खरीदो फरोख करता हूँ ठीक है और यूज़ गाड़ियाँ जो जापान से आती हैं उनको भी यहीं से खरीदता हूँ यहीं भेज देता हूँ मैं ठीक है मेरा तो मुल्क सबसे पहले है सबसे पहले पाकिस्तान पाकिस्तान खुशहाल कैसे हो पाकिस्तान में रहने वाला जो पाकिस्तानी वो कैसे खुशहाल हो वो आदमी पाकिस्तानी गाड़ी कैसे चलाए मेरा कारोबार तो पहले भी था आज भी और इन श्ला आइंदा भी रहेगा तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम मेरी ज़िंदगी में तो मेड इन पाकिस्तान गाड़ी नहीं आई कम से कम मेरी औलाद की ज़िंदगी में तो ये गाड़ी आ जाए मेरी औलाद की औलाद की जिंदगी में तो आ जाए मेरी पोती पोते नवासे नवासे की तो ज़िंदगी में आ जाए बता हम वही लकीर के फ़कीर असेंबलर थे हैं और रहेंगे भाई चेंज होना पड़ेगा और मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है ये जो केयर टेकर हुकूमत है ना मुझे लगता है ये महीने दो महीने में फैसला कर लेंगे और आर्मी चीफ बैठ के ये फैसला कराएंगे कि ये इनको मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए सबसे पहले पाकिस्तान और जो पाकिस्तान के मुफाद में हो वो आप करें आपने बहुत सारी जगह पराउन किया है ना आपने आपने ज्वेलर्स को भी देखा आपने दूसरी जो स्मगलिंग हो रही थी उसको भी देखा आपकी मेहरबानी से डॉलर नीचे आ गया आपने अभी पिछले दिनों पेट्रोल कम किया खाने पीने की चीज़ें भी नीचे आई हैं तो मैं अली अल्लाह की जात से उम्मीद करता हूँ और ये केयर हुकूमत से भी मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ आपने अच्छा काम किया है एक काम ये भी अच्छा कर दें जो पिछले चालीस साल से तो ये लूटते आ रहे हैं आज ये हो सकता है और इन्हें पाबंद कर दिया जाए कि आपने लोकलाइजेशन करनी है अपने मुल्क में सर अगर आप पाबंदियाँ लगाएँगे तो ये लोग भागना जाएँगे जाएंगे ये नहीं भागेंगे सर सुजुकी देखें ना सुजुकी जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से अपने जो है शेयर्स खरीद रही है डिलिस्ट होने जा रही है उन्होंने कहा हाथी तो के दांत दिखाने के और खाने के और ये मुहावरा सुना है कभी आपने नहीं सुना तो सुन ले मेरे मुंह से पाकिस्तान को कभी ये लोकल असम्बलर नहीं छोड़ेगा ये डायरेक्ट गाय से मलाई निकालते हैं दूध नहीं निकालते हैं ये मुल्क ये मुल्क है ना ये मुल्क मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर ये मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चले जाए जब भी जन्नत है वरना अभी तो जन्नत है ही ना पूरे साल की गाड़ियों का एडवांस पैसा लेके बैंकों को इंटरेस्ट पे देते हैं क्यों ये सिर्फ दिखाने का है कि जी हमने स्टॉक एक्सचेंज से अपने शेयर्स खरीदना शुरू कर दिए हैं या हमने अभी पंद्रह दिन के लिए अपना प्लांट बंद कर दिया है वो कहता है मैंने एक महीने के लिए कर दिया वो कहता है मैंने तीन दिन के लिए ये सिर्फ हुकूमत को प्रेशराइज़ लाने के लिए हुकूमत को प्रेशराइज करने के लिए लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो वज़ी अदम के अंडर में जो कौंसल बनी है ना इसमें इतने ज़बरदस्त दिमाग हैं इसमें इतने ज़बरदस्त लोग हैं जो इनकी चाल में नहीं आएंगे ये एक बात का जवाब देते हैं वो दस सवाल और खड़े करते हैं कि ये अब तक आपने ये क्यों नहीं किया आपने लोकलाइजेशन क्यों नहीं की फिर पाँच साल पहले एक पॉलिसी दी जिसमें आपने साइन किए कि हम लोकलाइजेशन बढ़ाएंगे लोकलाइजेशन और साथ में एक्सपोर्ट भी करेंगे अब आपका सवाल ये है कि जी कोविड आ गया था फिर वो हमारे मुल्क में फ्लड आ गया फिर हमारे मुल्क में जो है ये प्रॉब्लम्स आ गई फिर हमारे मुल्क में जो है वो डॉलर को नीचे ले आए ये कोई बातें जो इंडस्ट्री होती है ना वो अपने मुल्क की जरूरत को पूरा करके एक्सपोर्ट की तरफ जाती है अच्छा आपने जो है वो कार असेंबलर्स पे तो खूब तनकीद कर ली जरा अब गिरबान में भी झांक लेते हैं जी ये बताएं कि लास्ट ईयर बल्कि इसी साल जब आर्डी ड्यूटी खत्म हुई थी तो उम्मीद की जा रही थी कि गाड़ियों की कीमतें कम होगी ठीक है जो सेकेंड हैंड गाड़ियाँ तो सर कुछ भी आप लोगों ने कम नहीं किया अभी जो है वो पेट्रोल सस्ता हो गया है अभी जो है डॉलर नीचे आया है अभी भी उतनी कीमत तो आपने कम नहीं की ना जितनी करनी चाहिए अपना सवाल ठीक है अपनी जगह लेकिन शायद का आपको पता नहीं है बैकग्राउंड इसका यह है कि जब आर डाली गई थी तो टी आर बैगज गिफ्ट के तहत जो गाड़ी आती है ना वो इंपोर्ट नहीं होती इन्होंने उन तमाम इंपोर्ट आइटम के ऊपर जो है वो लग्जरी टैक्स या आर लगाई थी हमने उस वक्त भी कहा था कि भाई ये टी आर बैगज गिफ्ट के तहत जो गाड़ी आती है ये इंपोर्ट नहीं है ये एक मखसूस तरीक़ेकार है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कि ये रिलीफ देते हैं समंदर बार पाकिस्तानी को और समंदर बार पाकिस्तानी ये गाड़ी लाता है और जैसे डॉलर ड्यूटी डाली गई तो डॉलर ड्यूटी भी ला रहा है तो एक तो आर लगनी नहीं चाहिए थी आर लगा के हुकूमत ने अपना रेवेन्यू लॉस किया क्योंकि इतना अरसा गाड़ी नहीं आई नहीं हटने के बाद भी तो कीमत हाँ लेकिन वो जो आर लगाई थी ना वो आर मिसाल इस तरह देता हूँ कि सौ परसेंट लगाई थी सौ परसेंट हटा दी जब हटा दी तो कीमतें उसी जगह पे आ गई हाँ ये फ़र्क जरूर आया जब आर लगाई थी तो डॉलर उस वक्त था 220 रुपए का या 230 का जब लगाई थी और जब अच्छा हटाई तो डॉलर चला गया 330 पे तो ये 100 रुपए जो डॉलर पे इजाफा हुआ था वो कौन निकालेगा तो तो कोई नहीं निकाल सकता मिसाल इस तरह दे सकता हूं कि पहले ड्यूटी फर्स्ट के लिए तीन हजार डॉलर बन रही थी एक छोटी गाड़ी के ऊपर लेकिन जब डॉलर बढ़ गया तो वही ड्यूटी जो है वो तकरीबन बयालीस डॉलर हो गई बारह डॉलर उस उसमें बढ़ गया चले ठीक है आपकी वो वाली बात मान ली अभी का मुझे बताए अभी तो भी हाँ, भी भी कम हुआ, भी कम हुआ हुआ है है डॉलर अभी भी आप अभी तो तो मैंने आप मैंने आपसे कहा ना कि देखें अब जो भी गाड़ी क्लियर हो रही है अभी डॉलर नीचे आए हुए कितने दिन हुए महीने से महीना ठीक तो है इस महीने में आप देख लें इस महीने में कितनी गाड़ियाँ आई हैं और कितनी गाड़ियाँ क्लियर हो गई हैं जीरो कोई गाड़ी क्लियर नहीं हुई उसकी सबसे बड़ी वजह क्या कि मैंने आपसे कहा ना कि एफ गवर्नमेंट के कहने पर कुछ इंक्वायरीज कर रही है जो कि वो इंक्वायरी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए क्योंकि टी आर बैगेज गिफ्ट कहते हैं समंदर पार का समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ी भेज रहा डॉलर ड्यूटी भेज रहा है हाँ इसका फ़र्क कैसे आएगा कि डॉलर नीचे आया है रवानी में जब आ जाएगी स्कीम और रवानी में जब गाड़ियाँ आएंगी तो इस पर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा चाहे इस्तेमाल शुदा जेपनीज़ गाड़ी हो चाहे इस्तेमाल शुदा पाकिस्तानी गाड़ी हो वो ऑलरेडी अभी मैंने आपसे कहा ना लोग नुकसान करके बेच रहे हैं तो अभी जिसको नई गाड़ी खरीदनी है सेकेंड हैंड मतलब जो लेना चाह रहा है वो क्या करे वेट करे अवल तो कोई तो खरीद में गाड़ी नहीं है ठीक है लेकिन इस वक्त अगर उसके पास पैसा है तो गाड़ी ले सकता है अच्छा इस वक्त गाड़ी वो ले सकता है अगर ब्रांड न्यू नहीं लेता तो कुछ चली हुई गाड़ी ले ले 2023 की ब्रांड न्यू ना ले 2022 की ले वो उसे कम पैसों में मिल जाएगी 2021 की और कम पैसों में मिल जाएगी जिसके पास पैसा वो ले ले और देखिए मैंने तो आपसे कह रहा हूँ ना ना जैपनीज़ गाड़ी कोते ख़रीद में ना ही लोकल गाड़ियाँ कोते ख़रीद में लोग मजबूरन चली हुई गाड़ियाँ ले रहे हैं पाँच साल दस साल पंद्रह साल पुरानी गाड़ी ये प्रॉब्लम है और जब तक सारे मामला पाकिस्तान के सही नहीं हो जाते हमारी एक्सपोर्ट अल्लाह करे बढ़ जाए और मैं अल्लाह की जहाँ से उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के हालात इन शाला अच्छे हो रहे हैं अच्छे होने जा रहे हैं अल्लाह करे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाए अल्लाह करे हमारे जो पाकिस्तानी वो जो हमें बाहर से पैसा भेजता है वो उसकी तरसील बढ़ जाए जो रेविजेंस भेजता है हमें वो बढ़ जाए लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा फ़ायदा जब होगा हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाए किसी तरीके से जब हमारे मुल्क में असल डॉलर वो आएगा और जब डॉलर असल आएगा तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी सर ये खबरें भी आई थी कि पिछले दिनों आप लोगों ने काफ़ी अपने शोरूम बंद कर दिए हैं कुछ लोगों ने काम नहीं था तो अभी तो कीमतें कम हो रही हैं लोग गाड़ियाँ ख़रीदेंगे अभी कमाने का वक्त आया तो आप लोग शोरूम बंद कर रहे हैं देखें जिन लोगों के रेंट्स पर हैं शोरूम्स चाहे वो कराची है लाहौर है इस्लामाबाद आबाद है अखराजात हुई हैं आमदनी बहुत कम हुई है लोगों की तो एक आदमी कितना अरसा इंतज़ार करेगा चार छः महीने साल भर तो पिछले गवर्नमेंट जो गई सोलह अठारह माह वो और अब जाके कुछ रिज़ल्ट आना शुरू हुआ है लेकिन उस दो साल के अरसे में तो लोग बहुत परेशान रहे हैं। आए दिन एक एक चीज़ ऊपर जा रही थी डॉलर ऊपर जा रहा था खाने पीने की चीज़ें ऊपर जा रही थी तो लोगों की तनख्वाहें देनी और हेड निकालना बड़ा मुश्किल काम था फिर बिजली के बिल बड़े बड़े अच्छा फिर जिसका रेंट पे शोरूम है ना भाई तो उसकी आमदनी अगर वो नहीं होगी तो कैसे सर्वाइव करेगा इस वजह से कुछ शोरूम हमारे कराची में भी हुए और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी हुए सर आपके लिए बुरी खबर है बुरी खबर यह है कि दो बड़ी कंपनियां होंडा और लकी मोटर्स ने जो है वो खुद से गाड़ियां इंस्टॉलमेंट पे देने का प्लान किया ये बैंकों के लिए भी बुरी खबर है कि 50 परसेंट आप पेमेंट दें मॉडल्स पर और फिर एक दो साल एक या दो साल में जो है वो इंस्टॉलमेंट भरते रहे तो सर ये आपका क्या बनेगा लोग आपसे गाड़ी क्यों लेंगे जब उन्हें डायरेक्टली कंपनी से मिल रही है आप देखिए ये ऑथराइज डीलर के ऊपर तो शायद फर्क पड़े हम पे नहीं पड़ेगा ठीक है अच्छा मैं एक बात बताऊँ देखें अगर ये दो कंपनी ने किया है ना तो ये पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है कि हमारी ये पाकिस्तानी अवाम जो है ना चाहे वो किसी तबके से ताल्लुक़ रखती हो वो बैंक इंटरेस्ट से बच जाएगी और बैंक इंटरेस्ट बड़ा हैवी है अगर ये दो कंपनियों ने ये अगर किया ऐलान तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है लेकिन बात वही आ गई कि क्या कुत खरीद में ये फिफ्टी परसेंट डाउन पेमेंट देने के बाद भी क्या आवाम की कुत ख़रीद में गाड़ी है और अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो उसके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये हो गया ना कि वो जो 25-30 परसेंट बैंक इंटरेस्ट जो दे रहा था उससे बच जाएगा क्योंकि बैंक के थ्रू भी वो ले रहा था तो बैंक ने एक जो है वो एक जगह पर ब्रेक लगाया हुआ है कि 30 लाख से ज़्यादा ऊपर वो फाइनेंस नहीं करती एक तो वो प्रॉब्लम था और फिर उसके ऊपर मार्कअप पच्चीस तीस परसेंट जाना ये भी एक बड़ी चीज़ थी अगर आ, इन दो कंपनियों ने अगर ये ऐलान किया है तो मैं समझता हूँ ये अच्छी चीज़ है हमें इसका इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा शायद इनके लोकल असमलर्स के ऊपर पड़े वो एक अलग बात है लेकिन क्योंकि बिज़नेस नहीं है तभी तो ये स्कीम इंट्रोड्यूस कराइए दुनिया के जितने भी तरक्याफ़्ता ममालिक हैं या जितने बड़े बड़े ममालिक हैं वहाँ डाउन पेमेंट भी नहीं है जीरो मार्कअप पे गाड़ी लें और आप मंथली uh, इंस्टॉलमेंट देते हैं मुझे तो लग रहा है शायद ये दौर भी आने वाला है इनशाला इस मुल्क में क्या डाउन पेमेंट की जरूरत ही नहीं होगी इंस्टॉलमेंट दे होगी और वही गाड़ी की जो कीमत है वो इंस्टॉलमेंट आप देते जाए तो, ये खुशाइन बात है तो बैंकों को नुकसान होगा बैंकों को नुकसान में भी इतना बड़ा देखिए मैं आपको बताऊँ अगर आप समझते हैं कि बैंक अगर इन कारोबार की इस कारोबार की वजह से चलते थे तो ऐसा नहीं है उसकी मिसाल ये दे रहा हूँ मैं आपको कि बैंक स्टेट बैंक ने जो है ऑलरेडी कोई भी अगर गाड़ी खरीदना चाहता है तो तीस लाख से ऊपर लोन पास नहीं होगा तो ये कहना कि बैंकों को नुकसान होगा तो मेरा ख्याल नहीं होगा बैंकों को भी फर्क नहीं पड़ेगा नहीं पड़ेगा इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है स्टेट बैंक जो है वो पहले ही इनको एक जगह ला कर उन्होंने स्टॉप कर दिया है कि तीस लाख से ऊपर आप किसी गाड़ी के लिए फाइनेंस नहीं करेंगे तो तीस लाख की तो आल्टो मिलती है तो बड़ी गाड़ी वाला क्या करेगा तो ये अगर कंपनी ने एक एग्जाम उठाया है तो मैं समझता हूँ ये अच्छा एग्जाम है कम से कम लोगों का बैंक इंटरेस्ट तो बचेगा जब ये डॉलर बढ़ा है तो गाड़ियों की सेल्स जो हैं वो नब्बे फ़ीसद तक कम हुई प्लांट भी कंपनियों ने बंद किए सुने आपकी बड़ी चांदी हुई है आपने बड़ा माल बनाया है देखिए ये तो मुल्क के हालात और मामलात से आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि हमारी कितनी सेल बढ़ गई ऐसा कुछ भी नहीं आपके पास जो पता नहीं कहाँ से खबरें आ रही आपकी चिड़िया या आपका जो फरिश्ता है वो आपको गलत रिपोर्टिंग कर रहा है ऐसी बात है जब कंपनियों गाड़, से गाड़ी नहीं खरीद रहे लोग तो जाहिर है बेचारे जो है देखें तो ये फर्क बिल्कुल सेकेंड हैंड का काम अच्छा हुआ था अच्छा। ये कोई शक वाली बात नहीं है लेकिन जो मैंने कहा ना कि जो हालात और मामला पूरे पाकिस्तान का बिजनेस पूरे पाकिस्तान के बिज़नेस के ऊपर असरअंदाज हुई है जो पिछली हुकूमत गई है तो मुसलसल डॉलर बढ़ता गया मुसलसल डॉलर बढ़ता गया तो उस वक्त नई गाड़ियों की कीमतें भी ऊपर गई हैं इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की कीमतें भी ऊपर गई हैं और जब से डॉलर ड्यूटी डाली गई टी आर बैगेज गिफ्ट करते जो गाड़ियाँ आ रही थी ये भी ऊपर गई हैं क्योंकि जब भी गाड़ी आती थी डॉलर ऊपर होता था और डॉलर में ड्यूटी करनी पड़ती थी यू इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ पाँच साल दो साल तीन साल आठ साल ये गाड़ियों की कुछ कारोबार अच्छा हुआ था ऐसा नहीं कि नहीं लेकिन इस वक्त पूरे पाकिस्तान का एक बराबर है सर ये जो हमारे लोकल लोकलबल हैं ये साल में आजकल के दौर को देखते हुए मेरा ख्याल है सवा लाख लाख या डेढ़ पूरे साल में बना बनाते हैं सेल करते हैं तो सर ये आप लोगों की मार्केट कितनी बड़ी है सेकंड हैंड गाड़ियों हैं। की आप लोग अंदाजन कितनी गाड़ियां साल में जो है वो खरीदो फरोख कर लेते हैं कितनी बड़ी मार्केट देखिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान में असम्बल होने वाली गाड़ी या टी आर गिफ्ट के तहत जो गाड़ियाँ आती हैं वो कोतें खरीद में नहीं है बहुत सारी वजूहत हैं लोकल गाड़ियों की वजूहत ये कि उनकी कीमतें मुसलसल बढ़ती गई बढ़ती गई वो लोगों की कोतें खरीद में नहीं आई फिर टी आर बाई के गिफ्ट के तहत जो गाड़ी आ रही है और वो डॉलर ड्यूटी में उसकी अदायगी हो रही है डूटियाँ उसकी डॉलर में भरी जा रही हैं तो ज़ाहिर है इस तमाम चीज़ों का कहीं ना कहीं तो वजन जाएगा जब ये गाड़ियाँ ख़रीद में नहीं है तो लोगों को गाड़ी तो चाहिए तो वो पुरानी गाड़ियाँ ख़रीदने को तरजीह देते हैं तो ये हमारी जो पाकिस्तान की जो यूज़ गाड़ियों की मार्केट जो है जिसमें पाँच साल से लेकर दस साल पंद्रह साल पुरानी गाड़ियाँ जो ख़रीदो फरोख्त होती है सालाना सात साढ़े सात लाख गाड़ियों की खरीदो फरोख्त होती हैं अगर ये पाकिस्तान में लोकल असम्बलर गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाए लोकलाइजेशन हो जाए तो आप सोचें कितनी बड़ी मार्केट है तो मुझे समझ नहीं आ रहा आप बार बार जो है वो मैनुफेक्चरिंग की बात कर रहे हैं मैनुफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं इससे तो आपको नुकसान नहीं होगा अगर ये मैनुफेक्चरिंग करने लग गए सस्ती गाड़ी भी हुई तो आपके तो शोरूम बंद हो जाएंगे हमारे शोरूम में कभी भी बंद नहीं होंगे क्योंकि एक चली हुई गाड़ी वो हमारे थ्रू ही बिकनी है और ख़रीदनी है आप नई गाड़ी के लिए तो कंपनी के पास जाएंगे या उनके ऑथराइज डीलर के पास जाएंगे लेकिन जो गाड़ी आप चला कर तीन साल चार साल या दस साल चलाने के बाद आप कंपनी के पास तो नहीं जाएंगे आप तो एक नॉर्मल जो भी शोरूम होगा शहर में आपके या गांव में आपके आप उसके पास जाएंगे तो हमारा काम तो कभी बंद नहीं होना हमारे काम तो ये नई गाड़ियाँ भी साल दो साल तीन साल बाद तो पुरानी होनी है ना तो ये चैन है तो ये और मैंने कहा ना कि हम जहाँ पुरानी गाड़ियाँ बेचते हैं वहाँ दो साल तीन साल छः महीने पुरानी गाड़ी भी चली हुई भी हम बेचते हैं सर ये बताएं कि अगर किसी मिडिल क्लास बंदे के पास बारह से पंद्रह लाख रुपए तो मार्केट में कोई सेकेंड हैंड गाड़ी मौजूद है अच्छी जो फैज से फैमिली कार कहा जा सके कोई इतने में गाड़ी मिल सकती है या आप सजेस्ट कर दें कि इतने में कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए देखिए बारह लाख और पंद्रह लाख में तो उसे जाहिर सी बात है कि वो एक लोकल पाकिस्तानी गाड़ी भी लेगा या इंपोर्टेड गाड़ी भी लेगा तो ज़ाहिर है वो उसको आठ साल दस साल पुराना मॉडल मिले ही मिलेगा लेकिन ये है कि बारह पंद्रह लाख में गाड़ी मिल जाएगी उसकी तोक़ आप के मुताबिक नहीं मिलेगी उसकी चॉइस के मुताबिक नहीं मिलेगी उसे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा जो बाजार में उस पैसों में अच्छी गाड़ी मिल रही होगी वो लेने के लिए मजबूर है अच्छी गाड़ी के लिए कितने पैसे चाहिए कम अज़ कम भी पच्चीस लाख रुपये चाहिए अच्छा या फिर वो पाकिस्तानी अल्टो लेना चाहता है तो डायरेक्ट नई गाड़ी ले लें वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद बत्तीस लाख की है लेकिन फिर उसका वही मसला है क्या उसका रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड है इस काबिल क्या वो गाड़ी इस काबिल है तो बहुत सारे सवाल हैं इस तो सर इंडिया बेहतर नहीं है जहाँ चार लाख में गाड़ी मिल जाती है यार देखें वही बात है कि मैं अपने पाकिस्तान के टीवी चैनल पे बैठ के मैं ये बात कर रहा हूँ मैं मजबूर नहीं ये बात करने के लिए मजबूर हूँ कि वहाँ का वेंडर वहाँ का असम्बलर वो उस मुल्क के लिए बहुत कुछ कर रहा है मेरे मुल्क का वेंडर मेरे मुल्क का असम्बलर भेड़िया है भेड़िया उसके मुंह खून लग चुका है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को देख रहा है अवाम को नहीं देख रहा इस पाकिस्तान ने जो उनको इज़्ज़त दी उसको नहीं देख रहा इस पाकिस्तान के अंदर उन्होंने बैठ के खरबों डॉलर बना के वो मुल्क से ले गए रुपीस में गाड़ी बनाते हैं रुपीस में गाड़ी बेचते हैं ती, ती, जब इनका जो पार्ट्स है सी के डी एस के डी वो डॉलर में इंपोर्ट करते हैं ये भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नुकसान स्टेट बैंक का नुकसान और जब गाड़ी बेचने के बाद जो प्रॉफिट इनका पाकिस्तानी रुपीस में बचता है वो भी डॉलर में बनाकर अपने मुल्क ले जाते हैं वो भी पाकिस्तान का नुकसान सवाल यहाँ यह है कि एक अच्छी पॉलिसी की जरूरत है एक अच्छे माइंड के आदमी की, की जरूरत है जो इस मुल्क के मुफाद में इन लोकल असमरों से ये सारी चीज़ें तय कराएँ कि लोकलाइजेशन होगी हमारे मुल्क की ज़रूरत पूरी होगी मेड इन पाकिस्तान गाड़ी होगी और जब मुल्क की ज़रूरत पूरी होगी तो हम एक्सपोर्ट करेंगे जब एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे मुल्क में डॉलर आएगा ये लोग तो चलें गाड़ियाँ जो है ख़ुद मैनुफेक्चर नहीं करते मगर एक हमारी लोकल कंपनी साजगार जो है वो गाड़ियों के ऊपर काफ़ी काम कर रही थी अगर वो गाड़ी आ जाती है तो आपके ख्याल में इनको टफ टाइम मिलेगा या वो गाड़ी कैसी किस मैार की होगी देखें पहले तो उसका बिहार देखना होगा उसकी क्वालिटी देखनी होगी और अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उसे कामयाबी होगी मैन्युफैक्चरिंग से मुराद मेरी यही है कि लोकलाइजेशन कर रहा है तो वो गाड़ी सस्ती बनेगी और आज की दुनिया की जो भी टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से वो बना रहा होगा अगर एक अच्छी चीज़ बनाता है तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है अगर ये कामयाब हो जाते हैं लोकलाइजेशन और मेड इन पाकिस्तान गाड़ी बनाने में तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क की ज़रूरत को भी पूरा करेंगे और आगे चल के एक्सपोर्ट भी करेंगे और इन लोकल असम्बलरों को एक टफ़ टाइम भी देंगे अच्छा सर पूरी दुनिया जो है वो ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट हो रही है ठीक है हमारे असम्बलर्स तो जो है वही रवायती गाड़ियाँ बना रहे हैं तो ये लोग भी इनके भी कुछ प्लान में है आपको भी ऐसी खबर है कि मतलब ये लोग ग्रीन उस पर या बैटरी पे चलने वाली गाड़ियाँ बना रहे हैं देखिए हमारे मुल्क में दो माफिया हैं एक लोकल असम्बल माफिया और एक पेट्रोल माफिया ये नहीं चाहता कि हमारे मुल्क में ई कार्स इलेक्ट्रिक मुल्क में आए ये नहीं चाहता क्योंकि इनके अपने मफादात हैं आप इलेक्ट्रिक कार्स की बात कर रहे हैं या जीप की या जो भी गाड़ी की बात कर तो हाइब्रिड के ऊपर नहीं काम किया अभी तक इन्होंने आप समझ रहे हैं बात को हमारे मुल्क की जरूरत इस वक्त अल्लाह करे कि इलेक्ट्रिक कार आ जाए तो ये पेट्रोल का जो बिल बनता है अरबों डॉलर का उससे तो जान छुटे नहीं सर ये सारी कंपनियां दूसरे मुल्कों में तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रही वो देखें इंडिया में देख लें यही कंपनियां हैं ठीक है और दूसरे मुल्कों में सब जगह इलेक्ट्रिक कारें बना रही हैं हमारे यहाँ है यहाँ क्यों, क्यों नहीं है भाई देखें वहाँ की हुकूमतें जो है ना वो मुझ में बताना है वहाँ के वेंडर्स वहाँ के असम्बलर्स वहाँ का बिजनेसमैन हमारे मुल्क में माँ सिवाई जो मौजूदा हुकूमत आई है इन्होंने डंडा फर्स्ट टाइम उठाया है मेरी कारोबारी चालीस पैंतालीस साल की मेरी वाबस्तगी है मैंने तो आज तक कभी इनसे किसी हुकूमत को तू करते हुए नहीं पूछा हमेशा आप आइए बैठे क्या चाहते हैं ये पहली हुकूमत है कि जिन्होंने जो है इनके ऊपर एक्शन लिया है हमारे मुल्क में ऐसा ऐसा दिमाग मौजूद है हमारे मुल्क में बहुत सारी ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपके मुल्क की जरूरत को पूरा कर सकते हैं लेकिन बात वही आती है कि ये लोकल असम माफ़िया ये बहुत टफ़ टाइम देता है बड़े बड़े लोगों को जो है इसने ऐसे बेवकूफ़ बनाया है आज ज़रूरत है हमारे मुल्क को जिस गाड़ी की आप बात करें हमारे मुल्क की ज़रूरत है अगर इलेक्ट्रिकल कार हमारे मुल्क में बन जाए तो आप सोचें कि हम कितने बड़े पेट्रोल के बिल से बच जाएंगे ये पॉसिबल है ऐसा नहीं कि नहीं बहुत अच्छे अच्छे दिमाग मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर सिर्फ बैठा के उनसे बात करने की ज़रूरत है तो अभी ये जो हुकूमत ने डंडा उठाया है तो आपको लगता है ये राह रास्ते पे आ जाएंगी ये कंपनी यार आ जाना चाहिए अब तो इनकी मेरे ख़्याल से पाकिस्तान के बच्चे बच्चों को पता चल गया है कि इन तीन बड़ी कंपनीज के तो लाइसेंस जो है वो सस्पेंड हैं और क्यों हैं ये भी पता है ठीक है अगर आज भी नहीं आते तो मैं तो हुकूमत से ये अपील कर सकता हूँ कि इनको खुदारा मेड इन पाकिस्तान अगर गाड़ी नहीं बना सकते ये लोकलाइजेशन नहीं कर सकते तो इनको असम्बल करने भी मत दें सर बेरोज़गारी बढ़ेगी लोग काम करते हैं देखें एक ये, ये बहुत बड़ी हमारी गलतफहमी है कि इन्होंने बहुत लोगों को नौकरियाँ दी हुई हैं आप यकीन करें कि परमानेंट जिसको कहते हैं ना कि सालों से कोई इनके पास वर्कर है ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा कुछ नहीं है ये वो कहते हैं ना डेली विजिट्स क्या बोलते हैं डेली ठीक है रोजाना दिहाड़ी इनके पास मेजोरिटी वो लोग हैं मेजोरिटी वो लोग हैं तो आप किन की बातें कर रहे हैं प्लीज़ इस मुल्क के मफाद में सोचें ये पाकिस्तान है तो ये कंपनियां भी होंगी ये पाकिस्तान है तो कारोबार भी चलेगा खुदा के लिए इस मुल्क ने आपको बहुत कुछ दिया है मुझे बहुत कुछ दिया है आज इस मुल्क को लौटाने की जरूरत है हम सब मिल इस मुल्क को उठाएँ नहीं तो शायद हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी पिछले 40 साल से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या इंडस्ट्री uh, 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 मेरे मुंह से निकल गया इन्होंने लूट मार खुश के अलावा कुछ नहीं किया सिर्फ लूट मार करती रही आज तो राय रास्त पर आ जाए आज तो आप तैयार कर लें मौजूदा हुकूमत बैठ के इनके साथ ये एग्रीमेंट कर लें एम कर दे कि भाई आइंदा लोकलाइजेशन होगी और मेडिन पाकिस्तान गाड़ी बनेगी इस मुल्क में हमें बहुत खुश दिया ठीक है एच एम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपसे आपसे दोबारा भी बात इन